वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, फिल्म कल्कि 2898 एडी का आज जो है एक प्रिल्यूड सीरीज रिलीज करवाया गया है, जहां पर ये एक एनिमेटेड सीरीज होने जा रही है जो कि काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होगा हमारा इस दुनिया के साथ। बुज्जी एंड भैरवा नाम के इस एनिमेटेड सीरीज का आज जो है हमें दो एपिसोड देखने को मिला है, और इन दोनों ही एपिसोड को देखा जाए तो कहानी अगर 2898 एडी में स्थित है तो ये कहानी जो है 2 साल पहले स्टार्ट हो रही है। कहानी काशी में स्थित है और अभी कहानी जो है 2896 में जो है हमें दिखाई जा रही है। वैसे तो 2 ही एपिसोड के अंदर इस पूरी सीरीज को जज करना सही भी नहीं है और मुश्किल भी है, पर कुल मिलाकर दोनों एपिसोड्स की अगर बात की जाए तो काइंड ऑफ लाइट हार्टेड इंट्रोडक्शन हम इसे कह सकते हैं, जहां पर इस दुनिया के साथ हमें जो है रूबरू तो कराया जा ही रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ अच्छे फनी मोमेंट्स भी जो है हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले ही एपिसोड में कहा था कि अभी तक इस सीरीज के रिलीज से पहले भी जितने भी प्रमोशनल कंटेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सभी में प्रभास का जो कैरेक्टर है वो काफी एक एंजॉयबल कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है, और वैसा ही जो है हमें इस सीरीज में भी नजर आता है। फिल्म रिलीज से पहले बुज्जी और भैरवा के इस बॉन्डिंग को हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए मेकर्स जिस तरीके का एक प्रमोशनल कैंपेन यहां पर चला रहे हैं वो मेरे हिसाब से जो है बहुत ही काम करने वाला है इस फिल्म के लिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो दोनों के जितने भी मोमेंट्स हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं एटलीस्ट मेरे चेहरे पर तो जो है एक अच्छी मुस्कान जो है वो ले ही आते हैं। सीरीज के अंदर देखा जाए तो प्रभास के कैरेक्टर को लेकर भी जो है हमें कुछ कुछ आइडिया मिल जाता है। प्रभास जो है फिल्म में एक बाउंटी हंटर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसके अपने कुछ सपने हैं जिनको पूरे करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत है, पर वो उन पैसों के लिए कुछ भी कर जाए ऐसा नहीं है। जाने अनजाने में ही सही, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सॉफ्टनेस है जो वो दिखाना नहीं चाहता है। वो ये प्रिटेंड करता है कि नहीं, वो किसी की परवाह नहीं करता है, उसका एक ही उद्देश्य है और वो है पैसे कमाना। बाकी बात रही यहाँ पर कुछ और चीजों की, तो देखिए टेक्नोलॉजी जो देखने को मिली है वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छी है। कुछ कुछ चीजें वही है जो हम एक डिस्टोपियन सेटअप के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ऊपर बैठे हुए लोग जो है हर एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। शुरुआत में शायद पशुपति जी का जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर पहली बार यहाँ पर पाइनएप्पल को देखकर बोलता है कि ये मैंने बचपन में एक बार देखा था, उसके बाद आज मैं इन्हें देख रहा हूँ। और वहीं उसके साथ एक और कैरेक्टर है, वो कौन है मुझे क्लियर पता नहीं चला, तो वो जो कैरेक्टर है वो बोलती है कि फाइनली हमारे बच्चों को जो है कुछ असली खाना खाने को मिलेगा, तो एक्चुअली में वो लोग क्या खा रहे हैं और उन्हें किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, ये सभी चीजें मेरे हिसाब से आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। बाकी ब्रह्मानंदम जी का भी यहाँ पर एक छोटा सा रोल हमें देखने को मिलता है, जो अगेन चेहरे पर मुस्कान लाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक छोटा सा लाइट हार्टेड इंट्रोडक्शन था जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहा है। लास्ट में जिस तरीके से बुज्जी और भैरवा की दोस्ती की शुरुआत के अंदर हमें संतोष नारायण का म्यूजिक सुनने को मिलता है, वो भी मैं कहूंगा कि काफी इफेक्टिव था। और दूसरी चीज हमें जो कल पता चली कि एक काइंड ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है, जहां पर कल ही हमने देखा जब इस सीरीज की अनाउंसमेंट की गई तो वहां पर लिखा आया था कि कल की द सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो देखते हैं इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो शुरुआत जो है प्रमोशंस की काफी एक्साइटिंग हुई है, नो डाउट मेकर्स अपने स्ट्रेटजी के साथ एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रेटजी है वो एटलीस्ट मेरे हिसाब से यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि फिल्म की जो असली टारगेट ऑडियंस है उन्हें यहाँ पर आकर्षित करने में जरूर कामयाब रहेगी। वैसे आपको सीरीज के 2 एपिसोड्स कैसे लगे और आपका क्या मानना है मेकर्स की इन प्रमोशनल स्ट्रेटजीज के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।